और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखो आज का जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट। जो प्रिंट ऑप्शन होता है उसके अंदर हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। तीन ऑप्शन कौन कौन से मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारा प्रिंट का, सेकंड ऑप्शन होता है क्विक प्रिंट, थर्ड ऑप्शन होता है प्रिंट प्रीव्यू। देखो इसके बाद सीट पर हमने कोई भी वैल्यू टाइप की है, अब हमें क्या है इस वैल्यू का प्रिंट लेना है। जो हमने वैल्यू सीट पर टाइप की है उन वैल्यू का हमने क्या है तक के कॉलम में टेक्स्ट टाइप कर रखा है। हम चाहते हैं कि सभी का प्रिंट आए। जो हमारा ये कॉर्नर पे सर्कल दिखाई दे रहा होता है ऑफिस बटन, ऑफिस बटन में हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंट। प्रिंट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। अब देखो प्रिंट ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है? जो हमने एक्सेल में फाइल बनाई है उन फाइल का प्रिंट लेने के लिए। अब इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है नेम का। नेम में हम क्या करते हैं, जो हमने एक्सेल की सीट बनाई है, सीट पर जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसका हम क्या करेंगे, जो हमने सीट बनाई है उसका हमें क्या करना है प्रिंट लेना है। तो नेम में हम क्या करेंगे, जो भी हमने सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा रखा है वहां पे उस प्रिंटर का एड्रेस क्या है इसमें आ जाएगा। अब ये देखो इसके साथ कैनन का प्रिंटर लगा हुआ है तो यहाँ पे सभी कैनन के एड्रेस आ जाएंगे। अब ये देखो इसके अंदर तो काफी एड्रेस आए हुए हैं कैनन के भी, कहां से चेक करेंगे कि कौन सा हमारा प्रिंटर इसमें चल रहा है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, डिवाइस एंड प्रिंटर, किसमें पता लगेगा, डिवाइस एंड प्रिंटर में। अब ये देखो जिस पे ग्रीन टिक लगा हुआ ना ये प्रिंटर की सेटिंग उसके अंदर है, तो यही इसी के जरिए हम क्या है प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे पेज रेंज, सॉरी प्रिंट रेंज। प्रिंट रेंज भी क्या है, हमने 5-6 सीट पर काम कर रखा है, हम चाहते हैं कि सभी पेजेस का प्रिंट आ जाए। कैसे, सीट पर हमने टेक्स्ट टाइप किया और भी टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब यहां से प्रिंट प्रीव्यू देखो, वन सीट, नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट, कितनी सीट पर हमने काम कर रखा है, 3 सीट पे। हम चाहते हैं तीनों सीट का प्रिंट आ जाए तो किस पे क्लिक करेंगे, ऑल पे। पेज तीन में से सिर्फ एक पेज का प्रिंट आए, कौन से पेज का? अब जैसे हमें 1 का चाहिए तो फ्रॉम 1 to 1, 1 से लेके 2 तक का चाहिए 1 से लेके 2 तक का डाल सकते हो। ऐसे हम क्या करेंगे कि ऑल में क्या है सभी पेजेस का प्रिंट आएगा, पेज मल्टीपल पेज, कि हमें 1 का निकालना है 2 का निकालना है वो हम क्या है यहाँ पे डाल सकते हैं। सिलेक्शन, जो मैटर हमने सेलेक्ट कर रखा है उसका प्रिंट आ जाए। नंबर ऑफ कॉपी, एक पेज की कितनी कॉपी प्रिंट आए, 2 कॉपी चाहिए, 1 कॉपी चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जो भी हमें डालने हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद इसी में एक ऑप्शन और मिलता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या करता है, अभी हमने जो पेज का साइज पेज ले रखा है
पेज की ओरिएंटेशन ले रखी है वो कौन सी ले रखी है, पोर्ट्रेट की। हम चाहते हैं कि लैंडस्केप का आ जाए, यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में क्या है पेज लंबा आ जाएगा, लैंडस्केप में क्या है पेज की चौड़ाई होगी। तो हमें पेज कौन सा चाहिए, हमने डाल दिया हमें पेज चाहिए पोर्ट्रेट का, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा साथ के साथ। पेपर साइज कौन सा चाहिए, लेटर लीगल A3 A4 या क्या है उसे सेट कर सकते हैं। लेआउट 1 of 1, 1 of 2 यहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे पेज सेटअप, पेज को अगर सेट करना है तो यहां से भी हम कर सकते हैं। टोटल कितनी सीट को है, 99, इसको हम करेंगे ओके। तो वही क्या है सेटिंग इसके अंदर सेट हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है आप सभी को ओके, जैसे ही ओके बटन प्रेस करेंगे तो जो हमने प्रिंटर लगा रखा है ना उससे क्या है प्रिंट की कंट आ जाएगी। ये तो था हमारा प्रिंट का ऑप्शन, नोट कर लिया सभी ने। सेकंड ऑप्शन है फिर प्रिंट के अंदर क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट क्या होता है, किसी भी फाइल का डायरेक्ट प्रिंट लेने के लिए, क्या होता है किसी भी फाइल का प्रिंट लेने के लिए। देखो प्रिंट में तो हमने क्या किया था, ऑप्शंस को सेट किया था, क्विक प्रिंट में हमें कोई भी ऑप्शन सेट नहीं करना होता, सीधा कमांड आ जाती है। इसके बाद इसी में तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल का प्रिंट लेने से पहले प्रीव्यू चेक करने के लिए, किस लिए होता है प्रिंट लेने से पहले प्रीव्यू चेक करने के लिए, प्रीव्यू हम क्या है चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू शो हो गया, अभी देखो इसमें लाइनिंग वगैरह तो दिखाई नहीं दे रही। शो मार्जिन, शो मार्जिन क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का मार्जिन से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये कौन सा हो गया इस पेज का, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यहीं पे हमें पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है, कर लेना भी सभी। पेज सेटअप, पेज सेटअप में क्या होता है चार ऑप्शन होते हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से, फर्स्ट होता है पेज, सेकंड होता है मार्जिन, थर्ड होता है हेडर एंड फुटर, फोर्थ होता है सीट। अब ये देखो पेज सेटअप, फर्स्ट ऑप्शन है अपना पेज का, इसमें क्या कर सकते हैं पेज की ओरिएंटेशन जो अभी मैंने आपको बताया था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, कौन सा लेना चाहते हो। इसमें क्या है पेज की चौड़ाई आ जाएगी और पोर्ट्रेट में क्या है पेज की लंबाई आ जाएगी। अब ये देखो यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन आ गया, स्केलिंग में 100 है नॉर्मल साइज, ये 100 किस काम आता है, सीट पर क्लिक करो, ग्रिड लाइन, रो और कॉलम हेडिंग दोनों लगा दिए हमने। अब देखो इसमें तक के कॉलम आए हैं इस पेज में हमारे, आई तक के, कहां तक के कॉलम शो है, आई तक के। हम चाहते हैं कि हमें तो एम तक के कॉलम चाहिए इसी पेज में, एम तक के कॉलम चाहिए, आई तक के यहाँ पे हैं, तो वो कैसे आएंगे, जो हमारा ये स्केलिंग का साइज है इसको हमने इसे क्या किया कम कर दिया, 80 किया, ओके करो, के तक के आगे थोड़ा और कम करेंगे तो क्या है एम तक के कॉलम यहीं पे आ जाएंगे। हो गए यहां तक सभी का, अगर को बढ़ाना चाहते हो तो यहीं से हम क्या है वापस 100 कर सकते हैं। इसके बाद पेपर साइज, पेपर साइज कौन सा लेना है आपको, लेटर लीगल A3 A4 यहां से हम ले सकते हैं।
प्रिंट क्वालिटी डीपीआई का कितने डीपीआई का चाहिए? 600 डीपीआई। मार्जिन, मार्जिन क्या है? स्पेस। टॉप में देखो कितना स्पेस सेट है, 0.75। हम चाहते हैं कि टॉप का जो स्पेस है वो कम हो जाए। यहाँ पे देखो दो सिंबल मिलेंगे, जो टॉप वाला सिंबल है उससे हम क्या है स्पेस को बढ़ा सकते हैं, और जो बॉटम वाला सिंबल है, सॉरी हाँ जी बॉटम वाला सिंबल है उसे हम क्या स्पेस को कम कर सकते हैं। टॉप में है कितना डाल दिया, 0.5। बॉटम, बॉटम में कितना रखना है, बॉटम में हमने डाल दिया 0.5 चाहिए हमें। लेफ्ट, लेफ्ट कितना चाहिए हमने डाल दिया 0.2। राइट में कितना चाहिए, 0.2। हेडर, हेडर कौन सा, इस हेडर काफी होता है पेज के टॉप में, और फुटर, फुटर होता है पेज के बॉटम में। ऐसे ही देखो हम हेडर फुटर का मार्जिन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। हेडर के मार्जिन को बढ़ाना है, हमने डाल दिया हेडर का मार्जिन हो जाए 0.8, और फुटर का, फुटर का कितना लेना चाहते हो, यहीं पे हमने फुटर का भी डाल दिया 0.8। ओके किया तो वही क्या है शो हो जाएगा। ये देखो हमने टॉप का मार्जिन कम किया था, लेफ्ट राइट का कम किया था, बोटा कम किया था, वही क्या है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हमें वापस वही मार्जिन शो करना है जो हमने पहले कर रखा था। यहां से हम क्या करेंगे, पेज सेटअप, टॉप का कितना कितना मार्जिन था हमने डाल दिया 0.15, बॉटम का कितना, ओके कर दो, देखो वही मार्जिन क्या है शो हो जाए। इसके बाद हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल क्या करेंगे, जो हमारा पेज है वो सेंटर में शो हो जाएगा, बीच में, ये देखो ऐसे बीच में आ जाएगा ना, तो वो टॉप में दिखाई देगा हमें और ना ही वो बॉटम में ही दिखाई देगा, सेंटर में आ जाएगा। अब वापिस वही चाहिए हमें, हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों को हटाना है, तो यहीं से हम क्या है हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को हटा सकते हैं। ओके कर दो, हट जाएंगे। इस बाद हेडर फुटर, तीसरा जो ऑप्शन है पेज सेटअप का हमारा, हेडर फुटर। हेडर फुटर में क्या होता है, कस्टम हेडर, कस्टम हेडर क्लिक किया तो लेफ्ट, लेफ्ट में आपको क्या वैल्यू टाइप करनी है, लेफ्ट की वैल्यू डाल दी हमने रेड, और सेंटर में हमने डाल दिया क्रॉस, राइट में हमने डाल दिया भिवानी। ओके किया, इसको वही वैल्यू क्या है इसमें शो हो जाएगी हेडर में। अब हम क्या है फुटर में भी को लगाना है, बॉटम में, लेफ्ट में क्या चाहिए, पेज नंबर, ये फॉर्मेट टेक्स्ट, यहां से हम क्या है टेक्स्ट फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। सेंटर में, ये भी देखो यहाँ पे पेज नंबर ही है, सेंटर में आ जाए डेट, राइट में आ जाए टाइम। कोई भी एक्सेल की फाइल है आप उसको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एक्सेल फाइल में से हम एक्सेल की फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। सीट नेम, सीट का कोई नाम रखना है, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। पिक्चर, कोई भी पिक्चर लेनी है, कौन सी पिक्चर लेना चाहते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट किया, इंसर्ट, ओके करो, ओके, देखो वही क्या है फुटर में आ जाएगा। अब जो हमने हेड फुटर लगाया है, फुटर में जो हमें ज्यादा ये डालना है उसको हमें हटाना है, तो कैसे हटाओगे, कस्टम फुटर पे क्लिक करो, जिसको हटाना चाहते हो उसको हटा दो। कि हमें तो पिक्चर और टाइम दो ही रखने हैं, ओके कर दो, ओके, पिक्चर और टाइमिंग दो ही रहेंगे। पिक्चर को भी हटाना है, यहीं से पिक्चर को भी हटा सकते हो, ओके करो। पेज नंबर, डेट, टाइम। इसके बाद देखो डिफरेंट ऑड एंड इवन एज,
ऑड नंबर और इवन नंबर पे शो हो जाए, डिफरेंट फर्स्ट पेज से अलग। सीट, सीट में क्या है कि जो हम प्रिंट ले रहे हैं, प्रिंट लेते समय क्या है, ग्रिड लाइन इंसर्ट हो जाए, ब्लैक एंड व्हाइट आ जाए, रो एंड कॉलम की हेडिंग आ जाए, रो एंड कॉलम की हेडिंग आ जाएंगी, ग्रिड लाइन आ जाएंगी। हम चाहते हैं ड्राफ्ट क्वालिटी, इसमें क्या होगा, सिर्फ कॉलम की हेडिंग शो हो जाएंगी, रो की हेडिंग शो नहीं होंगी और ना ही ग्रिड लाइन शो होगी। वापिस हमें ग्रिड लाइन को शो करना है तो क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्ट पे जो हमने टिक लगाया था उसको हटाना पड़ेगा। टिक को हमने हटा दिया, क्या करो अब क्या है, ग्रिड लाइन भी शो हो जाएंगी और रो एंड कॉलम की हेडिंग। इसके बाद डाउन आवर, इसमें क्या होता है, ओके करो, क्लोज करो इसको, व्यू मेन्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ओके करो इसको। देखो किस तरीके से आ रहे हैं पेज हमारा, 1, 2, 3, 4। अब तो क्या है, कॉलम में आई हुए, हम चाहते हैं कि दोबारा से यहीं पे चेंज हो जाए। प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप, देखो डाउन नंबर में क्या था, फर्स्ट पेज 1, 2, और फिर राइट में आ जाए, राइट में 3, 4। अवर देन डाउन चाहिए, लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, ठीक है, अवर देन डाउन, ओके क्लोज करो इसको। अब देखो इसमें किस तरीके से आगे, पेज 1, 2, 3, 4। अब जो इस साइड आप काम करोगे तो ये कौन सा पेज बन जाएगा, 4। यहां तक सभी का, आज का जो हमारा टॉपिक था प्रिंट, प्रिंट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको करवाया प्रिंट का, क्विक, सेकंड ऑप्शन क्विक प्रिंट, थर्ड ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू, और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रिंट प्रीव्यू के अंदर है पेज सेटअप। पेज सेटअप में हमने क्या किया, पेज, मार्जिन, हेडर एंड फुटर, सीट, हमने वापिस डाउन द नंबर कर दिया, ग्रिड लाइन को हटाना चाहो हटा सकते हो, लगाना चाहो लगा सकते हो, रो एंड कॉलम की हेडिंग, रो और कॉलम की हेडिंग कौन सी होती है, देखो जो कॉलम एबीसी में आए हुए थे वो, और 1, 2, 3 में आई हुई थी, दोनों हट जाएंगे। एक तरीका और देखो भाई, इसको इसका स्केल एडजस्ट करने का, ये जो कॉर्नर है, ये टॉप में जो छोटे छोटे हमें सिंबल शो कर दिखाई दे रहे हैं ना, इस पे कर्सर लेके आओगे तो कर्सर चेंज हो जाएगा, लेफ्ट बटन प्रेस करो, आपको कॉलम का साइज, कॉलम का साइज कम करना है या ज्यादा करना है, या इसे कर सकते हैं, इस तरह से भी हम क्या है इसको सेट कर सकते हैं। कितना चेंज करना है यही से कर सकते हो। नेक्स्ट पेज, अगला पेज, प्रीवियस पेज, पीछे का पेज, या हम क्या है जूम साइज को बड़ा छोटा कर सके, जूम कितना बढ़ाना चाहते हो, कितना कम करना चाहते हो। प्रिंट, प्रिंट से हम क्या है जो हमने एक्सेल में फाइल बनाई है उस फाइल का हम प्रिंट ले सकते हैं। अब जो मैंने आपको करवाया है उसमें से कुछ पूछना हो, जो हमने काम किया है पेज सेटअप, जो हमने ऑप्शन किया है प्रिंट ऑप्शन किया है, उसके बारे में अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो पूछ सकते। देखो जो ये हमने पेज प्रीव्यू लगाया था ना,
हटाना है तो कैसे हटाओगे? यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, व्यू मेन्यू में ही नॉर्मल से क्या है ये हट जाएगा, वापिस हमारे नॉर्मल हो जाएगा। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।